नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गुरुदेव गोल्डन फ्लूट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू प्ले गमक। गमक इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और गमक जो है वो बजाने के लिए क्या क्या टिप्स है वो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। और जब क्लासिकल सॉन्ग या क्लासिकल म्यूजिक का जिक्र आता है तो वहाँ पे गमक होना जरूरी होता है। गमक के सिवा क्लासिकल म्यूजिक में कुछ भी नहीं रहता। अगर आप गमक बजा सकोगे या बांसुरी पे भी आप अगर कुछ प्लेन बजाओगे और वो ही गमक में बजाओगे तो बहुत मेलोडी आती है उसमें। हर एक सॉन्ग गमक में नहीं बजा सकते, मगर अगर गाने में कुछ कुछ लाइन या कुछ कुछ जगह पे आप इसका गमक का इफेक्ट डालोगे तो बहुत ही अच्छी मेलोडी आती है। और गमक अगर बजा रहे तो सामने वाला समझ जाता है बंदा स्ट्रांग है। तो इसके लिए दोस्तों अभी मैं बताने जा रहा हूँ गमक कैसे बजाने का। एक बार प्लेन सारे गमक पधनी सा बजा के दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं गमक आपको बजा के दिखाऊंगा। गमक में सारे गमक पधनी सा, अभी ये प्लेन ये प्लेन, अभी गमक गमक इसे लहर जो रहती है ना सा रे ग म, ये जो लहर है वो गमक में आती है। और प्लेन सा रे ग म, ये प्लेन हुआ। और जो गमक है सा रे ग म। तो दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए। तो गमक बजाने के लिए क्या प्रैक्टिस करने की, अभी बेसिक प्रैक्टिस बताता हूँ। और ये अगर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो गमक आपको परफेक्टली आ जाएगा, मगर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी गमक के लिए। और कृपया गलत भी प्रैक्टिस ना करें। गलत प्रैक्टिस आप करोगे तो बजाने में आपको और दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए बता रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करो, और एक्स्ट्रा आप मन से खुद कुछ करने की ट्राई मत करो। तो गलत आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अभी बताता हूँ गमक प्रैक्टिस कर लिए क्या करोगे। अभी मैं प बजा रहा हूँ, बज रहा है प, मगर मैं क्या कर रहा हूँ ध को ओपन किया है। और जब मैं साथ छोड़ता हूँ तब ध क्लोज करता हूँ तो ऑटोमेटिक प बजता है। तो ध का जो है मैं कुछ पॉइंट में ध का मात्रा ले रहा हूँ, कुछ ध का एक वो हमारे समझ में भी नहीं आ रहा इतना मैं ध का अंश ले रहा हूँ तो प बजाने के लिए। तो उसके वजह से क्या होता है वो प प प प प ऐसे नहीं बज रहा है। अभी क्या प प प ऐसा बज रहा है। अगर मैं प्लेन बजाऊंगा ये होगा, मगर हमें क्या बजना है तो क्या तो बजाने के टाइम पे यही ध्यान देने का है दोस्तों। सा प प प जो स्वर बजाने का है हमें वो स्वर को पहले छोड़ दीजिएगा, उसके पीछे वाला स्वर है वो क्लोज कर देने का, टाइम पे वो क्लोज करने का। अभी ये तो ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करने की, बाद में नहीं बजाते टाइम पे मैं रे को उठाऊंगा। ग बजाते टाइम पे रे बजाते टाइम पे ग को यूज करूंगा। फिर ग ग बजाते टाइम पे मैं म का यूज कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे म बजाते टाइम पे क्या करने का, तो म बजाते टाइम पे ग का यूज करने का, ग उल्टा बजाने का। अभी ग बंद करके रखने का और वो म छोड़ने का। ये क्या होगा म म म। अभी प कैसे बजाने का, फिर से ध छोड़ देने का और ध जब क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प बजेगा। ये है गमक दोस्तों, ये पूरा गमक में अगर बजाओगे ऐसा लगेगा। तो दोस्तों ये गमक की प्रैक्टिस है। और आप ये
नीचे से प से ऊपर के म तक प्रैक्टिस कर सकते हो, म से फिर से नीचे आने का, यही प्रैक्टिस करते करते जो ऊपर जाने का फिर नीचे आने का, ये प्रैक्टिस अगर आप बार बार करोगे तो ऑटोमेटिकली गमक पे कमांड आ जाएगी। और ये अगर प्रैक्टिस बहुत बार करने के बाद, कम से कम 100 या 200 बार ये प्रैक्टिस रोज करने का, ये प्रैक्टिस करने के बाद आप सारे गमक को प्लेन बजा के देखने का, बाद में गमक में ट्राई करने का। अभी गमक में कैसा, अभी ये प्लेन बजाया आपने, अभी गमक में आप अगर ट्राई कर रहे हो, अभी गमक में मुझे बजाने को, तो गमक में कैसे, अगर सा बजते टाइम पे रे का ज्यादा आवाज ना आ जाए, देखो तो गलत प्रैक्टिस कैसे हो सकती है आपकी तरफ से। अभी रे सा रे सा आ आ, ये नहीं आवाज आना चाहिए, सिर्फ सा हा हा, ये आवाज आए तो चलेगा। देखो बज रहा है, सिर्फ रे का थोड़ा कुछ अंश आ रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आप ये जरूर ध्यान दें कि जो एक जो स्वर बज रहा है उसका ही आवाज आना चाहिए, दूसरा स्वर का आवाज नहीं आना चाहिए। कितना मेलेडी लगता है जब आप गमक में बजाते हैं दोस्तों, तो कोशिश करें कि आप गमक में प्रैक्टिस करो, और किसी भी राग या कोई क्लासिकल बंदिश आप बजाओगे तो अगर आप उसको गमक में बजाओगे तो बहुत मेलेडी आ सकती है दोस्तों। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दो कि गमक में कैसे बजाने का, और गमक में गमक की प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको ट्रिक्स दिया वो सिर्फ फॉलो करो और उसके बाद मुझे रिजल्ट बताओ, और अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और मेरा जो नीचे वीडियो के नीचे नीचे एक ब्लॉग भी दिया गया है उस पर भी आप जाके मुझे कमेंट या कुछ मैसेज डाल सकते हो पर्सनली, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकते हो। मेरे फेसबुक की लिंक भी वहाँ पे दी गई है, आप वहाँ पे भी मैसेज डाल सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।